सभी राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान खोले जाने की मांग को लेकर उड़ीसा भाजपा ने राजधानी के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया। इन्होंने सरकार से मांग की है कि पूर्व निर्धारित जगह पर ही उड़ीसा में राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान खोला जाए, इसे किसी दूसरे राज्य में स्थानांतरित नहीं किया जाए। 28 सांसदों समेत उड़ीसा की कई अन्य पार्टियों को साथ लेकर उड़ीसा भाजपा ने राजधानी में एक धरने का आयोजन किया। धरने पर बैठे लोगों ने सरकार से मांग की है कि पहले से निर्धारित राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान को उड़ीसा में ही खोला जाए, अन्य जगह नहीं। ये राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान ये एनडीए सरकार के समय में 4 होना था और उसमें से भुवनेश्वर के लिए तय हुआ था। अभी ये यूपीए सरकार आने के बाद इस संस्था को भुवनेश्वर से कलकत्ता लेने के लिए साजिश कर रहा है और ऐसा पेपर में आया है, तो इसलिए हम लोग आंदोलित हैं। उड़ीसा का जनता इसमें आंदोलित है और इसमें हम लोग उड़ीसा के आज 31 में से 28 सांसद यहाँ पार्टिसिपेट किया, बहुत सारे संस्था पार्टिसिपेट किया और ये एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन हम कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने सरकार को इस बात पर भी ध्यान देने को कहा कि अगर राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान उड़ीसा में नहीं खुलेगा तो वहाँ के बच्चों का भविष्य अधर में पड़ सकता है। साथ ही साथ इन्होंने केंद्र पर यह भी आरोप लगाया कि अभी तक उड़ीसा में एक भी भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान नहीं बनवाया गया है। कि उड़ीसा का मिनरल रिच बहुत है और साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन होना है, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन नहीं है, कोई भी सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट नहीं है। 50 साल हो गया कोई नहीं है, एक आया था NIS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, लेकिन हम सुन रहे हैं कि वो उठ गया। अभी हायर एजुकेशन अगर उठ जाएगा एक एक स्टेट से तो वो स्टेट का लड़के कहाँ जाएंगे, दूर जाएंगे और पैसा ज़्यादा लगेगा, लेकिन जो लड़का का पैसा नहीं है वो इतना दूर जाके पढ़ नहीं पाएगा, वो क्लर्क होगा। तो इसीलिए भारत में हर अंचल को समान अपॉर्चुनिटी देने के लिए हर जगह में सेंट्रल फंडेड इशू होना है। अभी हम सुन रहे हैं कि इंडिया का उड़ीसा में कोई एक इंस्टीट्यूट नहीं है, तो हमारा ये मांग है और हम भारत सरकार को ये बता देना चाहते हैं कि जब तक NIS नहीं होगा तब तक उड़ीसा का वासी चुप नहीं बैठेगा। एक ओर जहां दिल्ली बेंगलोर जैसे शहर हाईटेक तकनीकों से सुसज्जित हो रहे हैं, वहीं विकास को तरसते उड़ीसा में सरकार का ये कदम उड़ीसा वासियों के लिए निराशा का सबब बन गया है। एक बात तो साफ है, जब तक पिछड़े राज्यों को इस तरह के सरकारी संस्थानों से दूर रखा जाएगा तब तक देश की तरक्की की बातें करना बेमानी साबित होंगी। कुमार विनोद के साथ रंजन चंद्रा, मेट्रो व्यूज दिल्ली।